दूर से थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसा व्यू है इसका, और ये ऑन रोड पे कैसे दिखेगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो अभी लेजेंडरी बाइक लेके आ गए हैं, सो द माइटी स्प्लेंडर। तो देख सकते हैं कि पहचानना मुश्किल है कि रैपिंग है या कलर है, कितना फिनिशिंग में काम है आप देख सकते हैं। सो ये है 2001 या 2002 मॉडल की स्प्लेंडर, तो आप देख के लगेगा नहीं, तो इसमें अभी काम फिलहाल बाकी है। लेकिन मैं जा रहा हूँ पुणे को, तो सोचा इस बाइक को शूट करके ही निकल लेते। सो दिस बाइक बिलोंग्स टू डीजेन गेट HDD, जो कि एक प्रो लेवर के मास्टरिंग डीजे। सो ये उनका कस्टम रैप है, और ये रैप डिजाइन और बनाया गया है फ्रॉम M-Star रेडियम मॉडिफायर्स। हम देख सकते हैं कि डिटेल्स, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो ये है, सो इट्स अ रैप जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस पर थोड़े थोड़े काम स्पेंडिंग है अभी, जैसे कि साइड स्टैंड होगा, ये होगा, तो धीरे धीरे वर्क चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं अनस्टॉपेबल, इधर भी हुए ये टैंक पे। और इसमें मॉडिफाइज की बात करें तो इधर ले गई गई है नियॉन लाइट्स ब्लू कलर में, इधर में इधर फॉग लैंप्स, इसके अंदर के इंडिकेटर्स भी जो है वो ब्लू कलर्स में इंस्टॉल किए हैं। ये फॉग लाइट्स ऊपर अभी ऑन करते हैं। सो नाइट में बहुत ही अच्छी लगती है भाई। सो ये रेड कलर का कैप डिटेलिंग को उभारने के लिए, और इसमें लगाए हैं एक्चुअली इसके जो है मैगविल ही डालने थे, लेकिन जब तक मैगविल डाले तो ये व्हील कवर डाला है, अपने पास स्पेयर पे था। सो दूर से थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसा व्यू है इसका, और ये ऑन रोड पे कैसे दिखेगी। 360 दिखा देते हैं। सो अगर आपको भी कौन सी भी बाइक रैप करानी हो या फिर मॉडिफाइंग वर्क कराना हो रेडियम से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर M-Star रेडियम मॉडिफायर। और अगर आपका ये यहाँ का कोई इवेंट या फिर कोई शो कराना हो डीजे का, जो कि प्रोफेशनल लेवल की डीजे चाहिए, और आपको स्पेशली कंपटीशन कराना होगा साउंड का, साउंड लाइन का, लेकिन जिसको पता है कंपटीशन को तो समझ गया होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट डीजेन के HDD। सो दैट्स इट गाइज, यही था आज का ब्लॉग। तो कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसरिंग इट। बाय बाय।